हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का नया चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे मैथ की, रीजनिंग की, ऑनलाइन टेस्ट की, करंट अफेयर की, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मिक्सचर एलिगेशन के रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये इतना अच्छा रूल है कि इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर लेते हैं। बट इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा और किस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सस्ती वैल्यू, एक लिखा है महंगी वस्तु का मूल्य और एक लिखा है औसत मूल्य। इसका मतलब यह है कि आपके पास तीन क्वांटिटी, तीन वैल्यूज होनी चाहिए एक क्वेश्चन में, जिसमें एक तो होगी सस्ती वाली यानी कि छोटी वाली, एक होगी महंगी जिसमें हम बोल सकते हैं बड़ी वैल्यू, और एक होगी इन दोनों का औसत। इन दोनों का औसत जो होगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड, जो बीच में औसत आएगा ये एक से तो बड़ा होगा, यानी कि सस्ती वैल्यू से तो बड़ा होना चाहिए ये वैल्यू जो जो भी यहाँ पे लिखी होगी, और एक से छोटी यानी कि महंगे वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी आप मिक्सचर एलिगेशन का ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों से बड़ी है ये बीच में, तब अप्लाई नहीं होगा, अगर ये दोनों से छोटी है तब भी अप्लाई नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन रूल अप्लाई ना कर पाएं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू लिखेंगे इस साइड में, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बड़ी है तो ये छोटी है या फिर ये छोटी है तो बड़ी है, इन में माइनस प्लस, बस इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो इस साइड में लिख देना है और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो इस साइड में लिख देना है, बस इतना काम करना है। बाकी अब मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ, अगर आप ये थोड़ा सा भी यहाँ पे समझ गए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपीज़ प्रति किलोग्राम हो जाए। अब यहाँ पे दो तीन वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, तीन वैल्यूज़ में दो तो सस्ती वाली, एक तो सस्ती और एक महंगे वाली वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं सस्ती और महंगी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के ख़त्म होते होते आप इसको समझ जाएंगे कि मैं सस्ती और महंगी क्यों बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सस्ते वाली चाय होगी, एक महंगे वाली, पूछा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसको 67 रुपीज़ प्रति किलोग्राम में बेच लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिए सस्ते वाली, एक तरफ लिखिए महंगे वाली, बीच में लिखना है इन दोनों का मिश्रण, मिश्रण यानी कि हम बोल सकते हैं औसत वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं मीन वैल्यू, कि इन दोनों को जिस प्राइस में हमें बेचना है तो उसको लिख लिया हमने बीच में, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये कितना आया, 11 आ गया डिफरेंस इन दोनों का, और इन दोनों का डिफरेंस 15 आ गया, तो आपका 15 और 11 में अगर इनको मिलाते हैं, इन दोनों क्वांटिटी को, आप 67 रुपीज़ प्रति किलोग्राम में बेच सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मैं 67 रुपीज़ प्रति किलोग्राम बेचूँ तो ये बिक जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और समझ ली होगी कि इसमें मिक्सर एलिगेशन रूल अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ये एक से बड़ा है और एक से छोटा है, ये वाली जो बीच में वैल्यू रखी है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ पे 10 रुपीज़ है भैया, ठीक है, 10 रुपीज़ प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि उस पर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, और चेंज क्या है, बाकी तो सब कुछ सेम है, कि लाभ मिल जाए उस पर 20% का, अगर उसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ हो जाए, ये आपको बोला गया है। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, ये कॉस्ट प्राइज है,
ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों इनमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो आपको जो मीन वैल्यू होगी उसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये एक से छोटी होती है, एक से बड़ी होती है। अब 18 इससे भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, तो वैसे भी यहाँ पे एलिगेशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% की वैल्यू में, क्योंकि जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल है इसमें 20% का लाभ मिला हुआ है, तो इसमें से मिला हुआ जो लाभ है उसको हटाइए। तो अगर ये इसमें 20% लाभ है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, ये 120% की। आपको पता है ना, जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस जितना परसेंट प्रॉफिट उतना उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये 18 जो रुपये प्रति किलोग्राम है इसमें 20% प्रॉफिट ऐड है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 120 से, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से जीरो से जीरो जाएगी और ये आपका ये कट जाएगा कितने से, 3 से, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, ठीक है। फिर 2 से कट करिए, 2 दूनी 4 और 2 से कट करेंगे 5 को इस तरीके से, और 2 से कट जाएगा 6 3 बार, तो 3 और 5 यहाँ पे बच गया, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि जो आपकी मीन वैल्यू आई, औसत वैल्यू आई, कितने में मिलाकर बेचना है प्रति किलोग्राम चावल, वो आपका 15 आ गया है। तो अब आपको ये 15 रख के बीच में क्वेश्चन करना है, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को अगर 15 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5, और इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1:5 का रेशो आपका आ जाएगा। यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि जब भी प्रॉफिट इंक्लूड वाला प्राइस आपको दिया जाएगा तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करना है, और माइनस प्रॉफिट करना आपने सीख ही लिया, और वैसे भी ये चीज़ें मैं आपको पहले कई बार सिखा चुका हूँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा से ट्राई करूंगा कि आपको किसी दूसरी वीडियो में समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पूरी वीडियो को देखिएगा, टाइम का बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जल्दी से जल्दी सीखे, चीजें समझ में आनी चाहिए, 5-6 मिनट फालतू पड़े लग जाए आपकी, ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें समझ में आनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक 56 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 3:5 है, यदि 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण करें तो शेष मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात होगा। देखिए एक बर्तन है, एक मिश्रण है, मान लीजिए इस बर्तन में 56 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण मीन्स होता है नमक और पानी का बोला है, तो नमक और पानी का मिला हुआ घोल, ठीक है, तो इसमें नमक और पानी का मिला हुआ घोल कितना है, 56 लीटर है, जो कि इस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाए, यानी कि उसमें से अगर 4 लीटर पानी उड़ जाए, गर्म करा और हमने उसमें से भाप बन के उड़ गया, तो शेष मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात क्या होगा, जब 4 लीटर पानी उड़ जाएगा तो उसमें फिर नया अनुपात क्या बचेगा, वो आपको बताना है। देखिए नमक और पानी का अनुपात आपको 3:5 दे रखा है, अब 56 में नमक है कितना, 3:5 में बांट दीजिए, तो दोनों को प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तो 56 को 8 से तो भाग कर देंगे, 300 गुणा कर देंगे, तो 21 लीटर तो आपका नमक आ गया, ठीक है। अभी इसमें 56 को 8 से भाग कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 35 लीटर ये पानी आ गया। बोला है पानी को 4 लीटर वाष्पीकरण कर दिया, यानी कि उड़ गया, तो आप क्या करना है, 35 में से 4 माइनस करेंगे, बचा कितना, 31, तो आपका नया रेशो क्या बन के आ गया, भाई देख लीजिए नमक का 21, तो वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हुआ ना, पानी उड़ाया सिर्फ, तो पानी आपका 31 बच गया, तो 21:31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको बस छोड़िएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है, यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है तथा इनका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है, तो इसका मतलब क्या होगा, सोना 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, तो आपने तांबा 9 गुना भारी लिख लिया, और यहाँ पे बोला जा रहा है तथा इनका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो आपने मिश्रण को कहाँ लिखना होता है, बीच में, तो मिश्रण आपने यहाँ पे लिख लिया, तो सोना व चांदी का अनुपात क्या होगा, तो सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस इसको इसमें से माइनस करिए, 4 आएगा, इसको इसमें से माइनस करिए तो कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस प्लस को इग्नोर करिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखना है। आप बोलेंगे कि 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 तो माइनस का आएगा, तो आपको 6 माइनस का नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा रेशो, 6:4 का, तो आपको ये 6 और 4 आपने जो लिखा है
तो इसको भी आप कट करके रेशो बना सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल रेशो नहीं है, ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है। किससे? दो से, दो दुनी चार और दो तिया छः, तो आपका 3:2 का रेशो बन के आया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 आपका है कि एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पे शुरू में एक लाइन शायद मिस हो गई, यहाँ पे था कि एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष जो भाग बचता है उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है, और जो इन दोनों की औसत चाल है, औसत दूरी उसने निकाली, अगर औसत चाल है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल वही रूल अप्लाई करना है। अब मैंने आपको बताया था ना कि एलिगेशन जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको भी आप इससे कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चैप्टर में भी इसको आप कहीं कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने कवर की कुछ डिस्टेंस और बची हुई डिस्टेंस को उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर की, और जो औसत चाल रही उसकी पूरी की पूरी वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा से रही। अब पूछा जा रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस 48 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर की, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आया, यहाँ पे इनका रेशो क्या बन जाएगा, 4 और 8 कट जाएगा 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आपका 1:2 का रेशो आ गया। अब पूछा 48 से कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो 48 दूनी 96, तो 96 किलोमीटर उसने कवर की है। अगर पूछा जाए 60 किलोमीटर से, तो 60 के उसने केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो उसने कवर किया केवल 60 किलोमीटर ही कवर की है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 किलोमीटर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है 144 लीटर सोना, तांबा और चांदी का मिश्रण इस प्रकार है कि सोने का भाग तांबे का 2/3 गुना है, तांबे का भाग चांदी का 3/4 गुना है, तो मिश्रण में चांदी का मात्रा होगी। देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक एक चीज़ को पॉइंट को क्लियर करूँगा। यहाँ पे 144 लीटर मतलब घोल है एक, ठीक है, जिसमें सोना भी है, तांबा भी है, चांदी भी है, तीन तरीके के उसमें मेटल है। इस प्रकार है कि सोने का भाग तांबे का 2/3 है। यहाँ पे अगर ये बोला जा रहा है ना कि सोने का भाग तांबे का 2/3 है, यानी कि तांबा 3 है और उसमें सोना 2 है, तो सोना और तांबे का रेशो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको रेशो में भी करवाई थी कि आपको ये जब चीज़ बटे में लिखी होती है ना, बटे का मतलब समझिए कि सोने का भाग तांबे का, तांबे का पूछा है तो तांबा कितना होगा 3, 3 में से 2 भाग सोना है, तो इनके बीच का रेशो क्या आ गया, 2:3 आ गया है, ठीक है। तांबे का भाग चांदी का 3/4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तांबा है वो चांदी का तीसरा भाग है, तो यहाँ पे तांबा आपका तीसरा भाग हो जाएगा चांदी का, तो चांदी का 4 हो जाएगा और आपका तांबे का 3 भाग हो जाएगा, तो तांबा और चांदी का 3:4 रेशो बन जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मिश्रण में चांदी की मात्रा होगी। अब यार मेरे को चांदी इनका सभी का अलग अलग रेशो तो नहीं पता है, तो वो रेशो मैं निकालना बताता हूँ ना कि कैसे निकालना है। अब जब भी इस तरीके से रेशो होता है, सोना तांबा, तांबा चांदी, तो जब भी इस तरीके से रेशो आपको निकालना होता है तो आपको क्या करना है, उल्टा एन मल्टीप्लाई करनी होता है। उल्टा एन आपने देख लिया, ये ट्रिक है इसकी। इन दोनों की करिए तो सबसे पहले की मिल जाएगी, इन दोनों की करेंगे तो टी की मिल जाएगी, इन दोनों की करेंगे तो लास्ट वाले सी की मिल जाएगी। तो इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी तो 6 आ गया, तो सोने का रेशो मुझे 6 मिल गया, 3 की 3 में की 9 आ गया, तो आपका तांबे का रेशो मुझे मिल गया, और फिर इन दोनों की तो आपका 12, ये मुझे चांदी का रेशो मिल गया, तो 6:9:12 आपका रेशो मिल गया। अब ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 2:3:4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका रेशो आ गया है। अब पूछा चांदी की मात्रा, तो 144 लीटर में चांदी की मात्रा क्या होगी, चांदी का रेशो आपका 4 है, तो आपको क्या करना है, सारों को प्लस कर दीजिए, 4 और 3 और 2 9 हो जाएंगे, तो 144 को 9 से भाग करिए, और चांदी का पूछा है तो चांदी का रेशो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से जाएगा 144 16 बार, तो 16 की 4 में करेंगे तो 64 लीटर आपका हो जाएगा, यानी कि चांदी कितनी है आपकी, 64 लीटर है। तो भाई समझ में आया ना ये चीज़ें, ये रेशो कैसे बनाया ये भी समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर दोबारा से समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि लास्ट में तो जो देखेगा उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, दो बर्तन में नमक व पानी का अनुपात 2:3 है, 1:3 है, यानी कि दो बर्तन है, एक में तो आपका नमक और पानी का अनुपात 2:3 है, एक बर्तन में आपका नमक और पानी का अनुपात 1:3 है, ठीक है। यदि दोनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डालें तो नमक व पानी का क्या अनुपात होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। अगर इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो नमक और पानी का क्या अनुपात बनेगा। आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने लिखा है। अब देखिए दोबारा से बताता हूँ, नमक और पानी, नमक का रेशो 2:3 पानी का इस वाले बर्तन में, ठीक है। दूसरे बर्तन में नमक का रेशो 1 और पानी का रेशो 3। अब मैं अगर बोलूं कि दोनों का मिला के रेशो कितना है 5 इसमें, और दोनों का मिला के 4:4 इसमें, ठीक है। अब ये जो नमक है, नमक जो है इस बर्तन में 5 में से दूसरा हिस्सा है, ठीक है, और पानी का इस बर्तन में 5 में से तीसरा हिस्सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5 और 3/5। अब इसी तरीके से आप करिए, इसके नीचे मैंने लिखा 4, यानी कि नमक का इस बर्तन में 4 में से एक हिस्सा है और पानी का इस बर्तन में 4 में से तीसरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब बात आती है इनको एक बर्तन में मिलाने की। एक बर्तन में मिलाना बहुत ही आसान है, नमक नमक एक साइड में ऐड कर लीजिए और पानी पानी एक साइड में ऐड कर लीजिए, तो जो भी रेशो निकल के आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे ऐड करेंगे, 2/5 प्लस 1/4 दोनों को प्लस करिए, 3/5 प्लस 3/4 दोनों को इस साइड में प्लस किया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 को 5 × 20 तो 8+5 हो जाएगा, 13/20 यहाँ पे आ गया। फिर इधर की मैं कब बात करूँ तो 5 × 20 और 4 × 12 प्लस 4 × 15 तो 12+15 तो 27/20, यहाँ पे दोनों का एलसीएम नीचे 20-20 है तो हटा दीजिए, 13/27 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस रेशो में जो तीसरा बर्तन में दोनों को मिलाया जाएगा डाल के, तो वो रेशो क्या आएगा, 13/27, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल भी लाइक करें, बिना जाइएगा मत, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 400 लीटर नमक पानी व पानी का मिश्रण में 10% पानी है तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही सुपर हैं, और एक तो मतलब सेकंडों का क्वेश्चन है कि आप सेकंड में कर सकते हैं, क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देख लीजिएगा अगर आप इसको सेकंडों में कर सके। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, 400 लीटर नमक पानी का मिश्रण है, एक 400 लीटर का मिश्रण है, एक बर्तन है उसमें 400 लीटर है नमक और पानी का मिश्रण, उसमें 10% तो पानी है, बाकी बचा हुआ 90% क्या होगा, नमक होगा, इसमें कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। देखिए यहाँ पे 400 लीटर है नमक और पानी का मिश्रण, इसमें 10% पानी है तो ये मैंने एक साइड में लिख लिया, और 90% नमक है तो ये मैंने एक साइड में लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। अगर पानी को मैं 10 से 20 करूँगा तो आपका नमक घट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जब भाई पानी इसमें हो जाएगा, देखिए 100% वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, तो ये 20% अगर पानी है तो आपका बचा हुआ 80% नमक बच जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो नए वाला हम ऐड करेंगे वो आपका कितना ऐड होगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पे यही कंडीशन, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसको ऐड करना है, जिसके बारे में बात चल रही है क्वेश्चन में, पानी कितना ऐड करना है, उसको यूज मत करिए, उसको हटा दीजिए, ठीक है। उसका यूज आपको कुछ नहीं करना है भाई, एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिसके बारे में बात की गई है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 20% हो जाए, तो जिसके बारे में बात की गई है मुझे उसको यूज नहीं करना है। मेरे को यूज किसको करना है, जिसके बारे में बात नहीं की गई है, बात नहीं की गई है तो इसका मतलब ये 80% पानी अब 400 लीटर के बराबर मैं रख सकता हूँ। तो 40 को डिवाइड करेंगे 80 से, मुझे बनाना क्या है ये 90%, तो 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 450। अब ये 400 से 450 हो गया, इसका मतलब कितने लीटर बढ़ गया, 50 लीटर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 लीटर इज द राइट आंसर। यानी कि आपका जो पानी मिलाना है और 20% बनाने के लिए, वो आपका मिलाना है कितना, 50 लीटर।
ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, ये तो बिल्कुल चुटकियों वाला है, अगर आपकी समझ में आ गया तो सुपर है, अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड मेथड से समझिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं निकालूंगा, सबसे पहले पानी 10% बोला था तो पानी कितना हो जाएगा 40 लीटर, बाकी का बचा हुआ 360 लीटर क्या होगा आपका नमक हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया, 40 लीटर अगर पानी है तो 360 लीटर आपका नमक हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी को कितना और मिलाया जाए कि आपका 20% बन जाए, तो आपको क्या करना है 360 अपॉन में 400 प्लस x करना है। 360 अपॉन में 40 में कितना प्लस करना है वो x प्लस करेंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है। तो 360 बटे 40 प्लस x मैंने कर दिया, और बनाना कितना है मेरे को ये 20% बनाना है पानी को, तो पानी को हम सामने क्या लिखेंगे 20%, और ये बन जाएगा 80%, तो इसके सामने लिख देंगे 80%। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे मैंने लिख दिया, तो इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 1 कम 2 और 2 से कट जाएगा 8 4 बार, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे जो अब 4 बटे 1 आ गया। इनकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की इधर करेंगे 360 और 4 की इधर करेंगे 160 प्लस 4x हो जाइएगा, तो x वाले को एक साइड में ले आइए तो 360 इधर जाएगा, कितना बचेगा ये माइनस हो जाएगा 200 और 4x ये बच जाएगा, तो 200 को 4x से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा 50x, तो 50x इज द राइट आंसर। यानी कि इसमें कितना 50 लीटर मिलाना है, तब भी आपका वही आंसर था, अभी भी यही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिए ताकि मैं दोबारा से उसको समझा सकूं। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, आप टेलीग्राम पर जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए तो वहाँ पर जो भी मिलेगा सबसे ऊपर उस पर को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कोई भी फीडबैक अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देना चाहते हैं तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक के नाम से, SAURABHMALIK। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो देख लीजिएगा नाम मेरा